नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि MS Word Office 2007 में आप बनाए हुए पैराग्राफ को किस तरीके से आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास जो MS Word 2007 होता है, चाहे 2003 होता है, इसमें आप PDF में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे जाते हैं फाइल में एंड यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेगा एक्सपोर्ट टू PDF। अगर दोस्तों इसके नए वर्जन की बात करें, जैसे 2013 या 2016, तो इन सब में यहाँ पे आपके ऑफिस बटन में दिया रहता है एक्सपोर्ट PDF, यानी डायरेक्ट आप PDF कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 2007 ज़्यादातर यूज करते हैं, अगर आपको किसी भी मैटर को PDF में एक्सपोर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी मैटर है आपको बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, बनाने के बाद सबसे पहले आपको जाना है ऑफिस बटन पे एंड यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है सेव एज वाले ऑप्शन में। और जैसे सेव एज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया अदर फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे आपको PDF नजर आता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, अगर इसमें से आपको PDF नजर आता है, तब तो आपका इजी तरीके से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है और आप उसको कैसे कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम पीछे आते हैं और कैंसिल करते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है फिर से ऑफिस बटन पे एंड यहाँ पे आपको प्रिंट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको प्रिंट वाले सेशन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम जो भी आपका प्रिंटर रहेगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, तो आपका ये पहले आएगा। दोस्तों इसको PDF में करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें आपको ये फाइंड करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को इजी तरीके से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आप इसको PDF में कहाँ रखना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं और इसका दे देते हैं PDFC, यानी एक तरीके से कन्वर्टर एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए, हमने जैसे क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया, सेम वही आपको यहाँ पे मैटर मिल जाएगा। देखिए PDFC नाम से यहाँ पे बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी पैराग्राफ को PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं MS Word 2007 में। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।